तो मैं आ चुकी हूँ एक बर्थडे पार्टी में और मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं खाना खा रही थी और खाना खाने के बाद आप देख सकते हो ये जो बच्ची है ये इतनी प्यारी डांस कर रही थी। ये बाबू बहुत ही प्यारा डांस कर रहा था, सब इसका वीडियो ले रहा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट मैं आपको सॉन्ग्स नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। बट काफ़ी इंजॉय किया आप पूरी वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से एक बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ। एक इनविटेशन था भैया, मतलब डिपार्टमेंट के ही भैया का बेटा का बर्थडे है, तो आज मैं वहीं पे जा रही हूँ और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। ऐसे ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसीलिए समझ नहीं आया कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो ठीक है, जो भी समझ आया, तो अभी रेडी हो चुके हैं, बस थोड़े देर में 5-10 मिनट में निकलने वाले हैं। तो आप लोग को निकल के फिर दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे मिलते हैं, पहले पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर आप लोग से मिलते तो हैं। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ पार्टी में और आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, मैं अभी एंट्रेंस अभी एंट्री किए नहीं है, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही एंट्रेंस का गेट कितना मस्त सजाया गया है। डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो अभी भैया का आने का वेट कर रहे हैं, भैया अभी आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ चलेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो अंदर में भीड़ भी था काफ़ी ज़्यादा। और ये वाला डेकोरेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, मेरे को बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे मिल रहे थे, अभी चलते हैं, भैया बोल रहे थे कि पहले गिफ्ट दे के आते हैं बच्चे को। तो अभी जिस बाबू का बर्थडे था तो उसी के पास जा रहे हैं उसको गिफ्ट देने के लिए। और यहाँ पे डांस हो रहा था, डीजे लगा हुआ था, ये प्यारी सी बाबू इतनी अच्छी डांस कर रही थी कि सब उसका डांस देख रहा था। और आप देख सकते हो कितना मस्त डेकोरेशन किया। और यही वही बाबू है जिसका बर्थडे है और ये वो भैया है, इनके ही बेटा है, यही बुलाए थे हम लोग को, इनवाइट किए थे। और ये प्यारी सी बच्ची इतना प्यारा डांस कर रही थी। अभी मैं सॉन्ग डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा बोल के, लेकिन बहुत ही प्यारा डांस कर रही थी, बहुत मज़ा आया। वेट कर रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग सोचे क्या करेंगे, तो स्टार्टर था उसमें गुपचुप था, और तो स्टार्टर में गुपचुप था और शीक कबाब था और कॉफ़ी था। इतना प्यारा लग रहा था, गुपचुप भी बहुत ही टेस्टी था और शीक कबाब भी हम लोग के जाने से पहले ही वो ख़त्म हो चुका था, मतलब ख़त्म नहीं हुआ था, वो बोले कि दोबारा बना के ला रहे हैं। तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा तो खाएंगे, एक बार भी हम लोग ट्राई नहीं किए थे बट मन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के बाद में फिर आ ही गया बन के। उसके बाद ट्राई किए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, एकदम खा के मज़ा आ गया। मैं तो दो दो बार रिपीटेड ली थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो फिलहाल तो अभी इंजॉय करते हैं। अभी देख सकते हो बहुत ही सारे स्टाफ्स लोग आए थे हॉस्पिटल के, बहुत एक बर्थडे में इतना मतलब आदमी को बुलाना ये बहुत ही बड़ा बात होता। हम लोग देख के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत इंजॉय भी किए। यही है वो तो भैया, यही है वो राजीव भैया जिनके जो हम लोग को इनवाइट किए थे बर्थडे में। भैया बोलने लगे क्या तुम व्लॉगिंग नहीं कर रही? तो मैं बोली नहीं नहीं मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वीडियो भी ले रही हूँ। बट उसके बाद भैया फिर फोटो क्लिक करने लगे तो मैं फिर उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको सबको अटेंड करना है। उसके बाद फिर इधर वीडियो लेने के बाद में फिर हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए भीड़ के वजह से। तो वेट करते करते फिर लास्ट में सोचे उधर ही जाके ये करते, नहीं तो सीट मिलेगा नहीं। तो फिर भैया के साथ मैं जा रही थी और इधर सामने में हमारी ये जो है ये अर्चना मैडम है, अर्चना मैडम बैठी हुई थी, वो बोल रही कि वीडियो बना रही है। बोले हाँ हाँ, बोले ठीक ठीक बनाओ बनाओ। बट ऑब्वियस ये बात है मैं वो सब डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं वॉल्यूम दूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, जिसके वजह से मैं वॉल्यूम नहीं दे पा रही। तो बहुत देरी तक वेट करने के बाद, और ये जो डेकोरेशन है ऊपर वाला मेरे को इतना पसंद आ रहा था कि मैं बार 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 उसी का वीडियो ले रही थी। और इधर डांस हो रहा था, ये जो डांस कर रहे हैं ये भैया जो भैया हम लोग को इनवाइट किए थे उनके भाई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और ये डेकोरेशन मुझे इतना एकदम दिल छू गया था, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था।
तो उसके बाद फिर वेट करते हैं, सीट मिलेगा तो फिर हम लोग खाना खाना स्टार्ट करेंगे। तो ये है बर्थडे, जहाँ पे केक उक कटा था वो वाला डेकोरेशन जो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद क्या ही करते, कोई ऑप्शन था नहीं, तो वेट ही कर सकते थे। फाइनली हम लोग को सीट उट मिल चुका था तो हम लोग बैठ गए थे, प्लेट भी मिल चुका था बट अभी कुछ आया नहीं था, तो वेट कर रहे थे कि कब आएगा। और तब तक से बैठ बैठ के डांस देख रही थी, सारे बच्चे लोग, कभी कभी बड़े लोग भी, सब कोई डांस कर रहे थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था डांस देखने में। उसके बाद आ चुका है हमारा सबसे पहले सैलेड, तो मैं तो मुझे तो बहुत पसंद है, तो सैलेड आया। और उसके बाद में आया आपका सैलेड के साथ में चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद ये रहा चटनी। उसके बाद दिया गया क्या दिया गया था, ये हमारा चिकन कटलेट, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। चिकन के जितने भी आइटम थे, मेरे को चिकन मेरा फेवरेट है, तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो मैं तो फटाफट इसको खा के ख़त्म कर चुकी थी। और देख सकते हो सैलेड बचा हुआ बट चिकन वो ख़त्म हो चुका। उसके बाद आया ये, शायद क्या बोलते हैं, ऐसे तो कचौड़ी है बट इसका कुछ अलग से नाम है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या नाम है। तो उसके साथ आ चुका था तड़का, और मैं खा रही थी। बार बार वीडियो लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि राइट हैंड से खा रही हूँ, लेफ्ट हैंड से वीडियो ले रही हूँ, मोबाइल ऑन कर रही हूँ। कोई साथ में एक होता कि उस टाइप का होने से, पकड़ देने से अच्छा होता था। और उसके बाद आ चुका था राइस, और फिर क्या बोलते हैं, चिकन। और चिकन इतना ज़्यादा ज़्यादा दिया जा रहा था, मैं तो सोची मेरे से तो इतना खाया नहीं जाएगा, बट बहुत ही टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। खाना खा चुके थे, खाना खाने के बाद में फिर लास्ट में हम लोग सोचे, मतलब भैया, और ये देखिए कैसे घूर के देख रहे थे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, पिछली बात वीडियो लेंगे तो घूरेगा ही कुछ, ये इसमें नया बात नहीं है। अरविंद भैया बोले कि कॉफ़ी पीते हैं, तो फिर मैं कॉफ़ी ले ली थी, कॉफ़ी पी रही थी। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं डांस अटेंड करी, मतलब देखने के लिए। और ये जो येलो ये मैं पहनी है, ये बहुत ही प्यारा डांस कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। बट लेट भी हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा देर तक तो हम लोग वेट नहीं कर सकते थे, तो फिर हम लोगों को निकलना भी था, बट काफ़ी देर फिर भी देख लिए थे। बहुत अच्छा डांस कर रही थी, और सॉन्ग सारे बिहारी सॉन्ग्स थे, तो अगर सॉन्ग डालती तो आप भी बहुत ही ज़्यादा और इन्जॉय करते, बट सॉन्ग्स नहीं डाल सकती, उसके लिए सॉरी। और फाइनली फाइनली मैं पार्टी से आ ही चुकी हूँ, ऑलमोस्ट हॉस्पिटल तो पहुँच गई हूँ, बस ऑलमोस्ट रूम पहुंचने वाली हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा, और इतना डांस हो रहा था, बट कॉपीराइट के वजह से मुझे इसको, मतलब कॉपीराइट ऑलरेडी इससे पहले वाला में भी दिख रहा था, तो इसीलिए मैं सॉन्ग तो नहीं डालूँगी, बट बहुत ही मज़ा आया। और खाना भी बहुत टेस्टी था, ख़ास करके सीप कबाब था वो, और गुपचुप भी काफ़ी टेस्टी बना हुआ था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किए। तो फिलहाल तो रूम पहुँचते हैं, और मज़ा आ गया आज सीरियसली पार्टी करके। तो चलिए देखते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है तो इसीलिए गेट उट बंद नहीं हुआ है, तो थोड़ा भागते भागते आए जिसकी वजह से थोड़ा सांस फूल रहा है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो पहले रूम पहुंचते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। और मैं रूम पहुंच ही चुकी हूँ, तो अब बस फ्रेश फ्रेश होते हैं, बहुत इंजॉय किए। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा, मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा, आप भी इंजॉय किए होंगे। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी तरह के और प्यारे प्यारे ब्लॉग्स के लिए, वीडियो के लिए मिलती हूँ अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, और एक चीज़, थोड़ा वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रही है मेरी, शूट कर नहीं पाती हूँ, याद नहीं रहती या जो भी है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सुधारने की, मतलब जितना हो सके कंटिन्यू डालने की। तो आप लोग भी थोड़ा अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता है तो डीमोटिवेशन होने लगती है, तो इसीलिए अगर हो सके तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।